जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जी हाँ, रवि किशन का ये डायलॉग सुन के ये मत सोच लीजिएगा आप लोग कि हम रवि किशन का रोस्ट करने वाले हैं। नो वे, बट रवि किशन भैया का एक फिल्म का ट्रेलर आया है जिस फिल्म का नाम है 1922 प्रतिकार चोरी चोरा। तो फिलहाल मैं इस ट्रेलर का रिव्यू करूंगा। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो चलना भी कहीं नहीं है, देखना भी कुछ नहीं है। फिलहाल हम अपने जनता जनार्दन से हाल पूछेंगे, तका हाल बकरे चलो, ठीक बा? चलो ना, बिना कोनो देरी के स्टार्ट कर जाओ। चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के पास दो गांवों को मिलाकर एक कस्बा है और उसी कस्बा के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। ये फिल्म एक सच्ची घटित घटना की कहानी है, ये फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया है। क्या बात कर रहे बाबा? बाकी ये चोरा चोरी वाला कांड हुआ है 4 फरवरी 1922 को, अगर उस हिसाब से जोड़ा जाए तो 101 साल 4 महीने वर्तमान में हो रहे हैं। मगर इस फिल्म में लिखा गया है द थॉट इज आउट आफ्टर 100 ईयर्स, मतलब 100 साल बाद सच सामने आ गया। मगर ये सब माइनर बात है, हम फिल्म के अच्छाइयों के ऊपर बात करेंगे। अच्छा ठीक है। तो इस फिल्म में सबसे अच्छा कुछ लग रहा है तो वो है कलर। कलर से एकदम हमें नेचुरलिटी झलक रहा है। और दूसरा कुछ सबसे अच्छा लग रहा है तो वो है एक्टिंग। रवि किशन का इस फिल्म का सारा टीम जबरदस्त एक्टिंग किया है। बहिष्कार करते हैं ब्रिटिश सरकार के इस कानून का जो चरस गांजा शराब बेचकर। और इस फिल्म में एक दो गाना भी है हमारे हिसाब से जो इस ट्रेलर में नहीं दिखाए गए हैं। बाकी ये फिल्म 30 जून को रिलीज हो रही है। यह इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही अभिक भानु हैं और इस फिल्म का स्टोरी भी लिखे हैं अभिक भानु ही और म्यूजिक दिए हैं सुभांश तिवारी और संजीव वा। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सफेद वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं रोस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।